हम नहीं चाहते कि ये कड़वाहट जिस रिश्ते की बात को लेकर शुरू हुई थी उसी रिश्ते की बात को लेकर ये और आगे बढ़े। तुम एकदम सही कह रही पर तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि सदा कौर नहीं इस रिश्ते की बात करने के लिए मुझे यहां भेजा है। कहां मेरी मेहताब कौर, पूरे पंजाब की सबसे खूबसूरत छोटी सरदार ने, अब कहां आपका पुत्र रंजीत सिंह? एक आंख तो दृष्टि ही, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आप अपना खोटा सिक्का चलाने यहां चली आई? है जी, फिर सदा कौर क्यों नहीं आई ये रिश्ता लेकर? किस मुझसे आती पुत्र, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। एक बार तुम्हें ना करने का पछतावा है उसे। ताया जी, आप ये बीता वक्त था, इतनी बातों को अंदर आने का क्या मतलब? अनहूस वक्त था, टल गया। भविष्य को सुनहरा बनाने की सोचते हैं हम। आज से ही नहीं बल्कि अभी से अच्छे वक्त की शुरुआत करते हैं। अच्छा वक्त तो कभी नहीं आएगा बेबे। रंजीत सिंह के साथ जीना मतलब हर पल मरना। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे अभी जहर दे दो। तो एक काम कर पुत्र, मुझे जहर दे। तुझे क्या लगता है कि मैं इस रिश्ते से खुश हूं? हरगिज नहीं। ये रिश्ता हमारी मजबूरी है। कैसी मजबूरी बेबे? मेरी रगों में सरदार गुरबख्श सिंह जी का खून दौड़ता है। कन्हैया भले ही हार मान गए हो पर मैं अपनी रियासत के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मारी भी जाऊंगी। भले ही मारी जाओ, मैं इस नफरत को मरने नहीं दूंगी। मैं रंजीत सिंह से सिर्फ बदला चाहती हूं और कुछ नहीं। नफरत की इस आग को चलाए रखने के लिए आप ही ने मुझे कहा था। हाँ, कहा था। और आज भी कहती हूं तुम्हें बदला जरूर लेना चाहिए, लेकिन बदला लेने के लिए खून बहाने की जरूरत नहीं होती। और बदला सिर्फ तू रह कर नहीं लिया जाता। बदला लेने के लिए सिर्फ उबलता हुआ खून नहीं चाहिए होता, बल्कि बदला लेने के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है। तुम बदला दूर रह कर लेना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें दुश्मनों के बीच खड़ा करना चाहती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि करीबी से किया गया वार सीधा दिल के पार जाता है। रंजीत सिंह की जिंदगी में अपनी नफरत भर दो, एक दिन बल्कि हर रोज उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है। अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती हूँ ना रंजीत सिंह से, तो जरूर लो बदला। एक बार नहीं, बार बार लो बदला। सारी जिंदगी उससे बदला ले दिया। नफरत की ऐसी दास्तान लिख दो कि आने वाली पीढ़ियां याद रखे रंजीत सिंह और मेहताब कौर के इस रिश्ते को। रंजीत पुत्र, तेरी भी राय लेनी होगी। बता क्या है तेरी राय? अब बड़ों का फैसला मेरे सर मत है।
बस एक बार महताब कौर से पूछ लीजिए। सदा कौर ने कहा है कि महताब कौर की हाँ है। तो फिर ये तय रहा था जी, महताब कौर की शादी रंजीत सिंह से जरूर होगी। एक छोटी सी दरख्वास्त और थी। बोल पुत्र। मैं सोच रहा था कि अगर ये कोड़माई की रस्म हम यहीं सुकर चकिया में कर लेते, और क्यों ना ये आज ही हम कर लें, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल पुत्र। अब मैं अपने प्रा की आंखों से आंखें मिला सकूंगा। उसे कहूंगा कि देख प्रावा, मैंने फिर से दोनों परिवारों को एक कर दिया। और याद रखी पुत्र, महताब कौर की खुशी तेरी खुशी से बढ़कर होनी चाहिए तेरे लिए। हाँ, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश? आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरा मतलब है, यही मेरी आखिरी तमन्ना है इस दुश्मनी को लेके। अरे राजकौर, चलो बहुत काम है और वक्त बहुत कम, तैयारियां भी तो करनी है। पुत्र मैं भी निकलता हूं, मुझे भी तैयारियां करनी है। अच्छा, सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल ताया जी। दादाजी, मुझे गलत मत समझिए, पर मेरा जाना जरूरी है कि मैं तो आपको इस रिश्ते से खुश है ना? हर रिश्ते की नींव खुशियां नहीं होती पुत्र, कुछ रिश्ते जिम्मेदारियों की वजह से होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ सफर मंजिलों से ज्यादा मायने रखते हैं। पिताजी मुझे मेरी जान से भी प्यारे हैं रंजीत, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं होगा महताब कौर, मेरा भरोसा टूटने मत देना रंजीत से। नहीं टूटने दूंगा महताब। नहीं, रगों के अंदर तोड़ते हुए इस खून में उबाला महताब पुत्र, और वादा कर कि महा सिंह और रंजीत सिंह पर तू कभी रहम नहीं करेगी। वादा कर।
वादा कर कि तू ये बात कभी नहीं भूलेगी कि उन लोगों ने तेरी माँ को विधवा बना दिया और तेरे सर से तेरे पिता का साया छीन लिया। वादा कर।